जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये अपडेट है रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। आप सभी को बताऊं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले ही ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई की अनिवार्यता लागू की थी, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद और बिना कोई सूचना दिए रेलवे के द्वारा चूंकि ऐसा किया गया था, तो छात्रों की ये डिमांड थी कि पहले बताया जाए और एक वैकेंसी कम से कम मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ही आईटीआई को लागू किया जाए। तत्पश्चात रेलवे ने इसे पीछे ले लिया था और करीब 2019 में जो वैकेंसी आई थी और उससे ठीक पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, दोनों वैकेंसियों में आईटीआई को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह बता दिया गया था कि आने वाली जो भी वैकेंसी अब होगी उसमें आईटीआई निश्चित तौर पर लागू होगा। और उसके रिगार्डिंग रेलवे ने आज फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया। आप देख सकते हैं भारतीय रेल, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड लेवल वन जो कि ग्रुप डी की पोस्ट होती है, मैं रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ इसमें है, डिटेल पढ़िएगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना संख्या 02/2018 और RRC 01/2019 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट केवल उन्हीं भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट थी जिसे अब वापस ले लिया गया है। यानी कि जो निर्णय हुआ था एक भर्ती के लिए वह फैसला वापस ले लिया गया है और अब रेलवे के तकनीकी विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विंग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल वन में 15/6/2019 के बाद अधिसूचित की जाने वाली सभी भावी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण प्लस राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी NCVT द्वारा बोला जा रहा है, SCVT भी यहाँ नहीं चलेगा, NCVT के द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र NAC या फिर 10वीं उत्तीर्ण प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या फिर क्या हो तो ITI आपका आप उत्तीर्ण किए हो। सभी इच्छुक अभ्यर्थी उम्मीदवार कृपया उपरोक्त को नोट करें और तदनुसार तैयारी करें। यानी कि 15/6/2019 के बाद से, यानी कि बहुत वर्ष बीत चुके हैं ऑलरेडी, 4 वर्ष जो डेट दिया गया है उससे अधिक 4 वर्ष बीत चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अब आने वाली ग्रुप डी की सभी वैकेंसियों में ITI या अप्रेंटिसशिप आपका एक अनिवार्य योग्यता होगा 10th+ के साथ। तो रेलवे की तैयारी करते हैं और ITI नहीं किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप आने वाले दिनों में दुविधा में, मुश्किल में, संकट में पड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ITI कर ही लेना चाहिए। और अगर जो भी अभी नए छात्र हैं आने वाले 1-2 वर्षों में ITI कर सकते हैं और आने वाले जो भी रेलवे की वैकेंसियाँ होंगी ITI करने के बाद आप उसमें भाग ले पाएंगे, अन्यथा आपके लिए रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को छोड़कर शायद ही कोई भर्ती बच जाएगी, वह भी आपको मिनिमम +2 लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर होगा। तो ITI करें और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें अब आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आई थी उनमें 1 करोड़+ लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब यदि ITI की अनिवार्यता होगी तो ये संख्या कम से कम घट करके 50 लाख के आसपास ज़रूर आ जाएगी। यानी कि सीधे सीधे लोग यहाँ क्या हो जाएंगे तो आधे हो जाएंगे, और आधे लोग हो जाएंगे तो कंपटीशन निश्चित तौर पर पहले के बनिस्पत ज़रूर कुछ आसान होगा। और आप एवरेज विद्यार्थी भी हैं और अगर ITI आप किए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन रेलवे में हो सकता है और आप रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। तो रेलवे में नौकरी का आपका है सपना तो करें ITI की तैयारी और पाएं रेलवे में नौकरी अपना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।